हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट टू ऑफ द नेल्सन मंडेला। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। अ फ्यू मोमेंट लेटर्स वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये कब का बात हो रहा है कि ये लोग जब वो लोग गैदर हो चुके हुए हैं इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने के लिए, सारे लोग बैठे हुए हैं और तब तक क्या होता है, लोग उनके ऊपर से जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, एक तरीके से आप कह सकते हो एयर शो होता है जिसमें जो उनकी एयर फोर्स है वो डिस्प्ले करती है। क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करती है, जेट, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, ये सब डिस्प्ले होती है कहाँ से, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी 15 अगस्त को जब सो डिस्प्ले होता है, हमारे जितने भी मतलब वेपन्स हैं, हथियार हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, सो उनका डिस्प्ले भी उन्होंने किया था साउथ अफ्रीकन कहाँ पे, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से। और इसको देख के क्या होता है, लोग बहुत ही आश्चर्यचकित, शॉक्ड, सरप्राइज, और एक उनके अंदर मतलब एक अपने देश के लिए, अपने आर्मी के लिए भी काफ़ी प्राउड की फीलिंग आती है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है और का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसे आप मतलब बहुत खुश होकर या बहुत डर करके। जैसे इमेजिन करो, आप जब हाथी को या किसी वाइल्ड एनिमल को दूर से तो आपको कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसका फेस टू फेस देखना पड़ता है तो आप उसके साइज, उसके मतलब आप उसके फिगर को देख के क्या होते हैं, एक फियर भी आ जाता है कि अरे भाई कितना खतरनाक लग रहा है ये। तो इसी सिचुएशन, इसी फीलिंग को हम और कहते हैं। और यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा था, क्योंकि देख रहे थे भाई ये इतने खतरनाक, मतलब सो तो अच्छा था लेकिन ये फाइटर प्लेन्स थे इतने बड़े और वो फुल स्पीड से रोर गदम गरजते हुए जाते हैं, तो एक उससे एक डर की भावना भी क्रिएट हो जाती है, लोग डर भी जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे आसपास ऊपर से जब कोई फाइटर काफ़ी स्पीड से जाता है तो दूर से देखना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आपके ऊपर से आता है तो आप देखते हैं भाई कितनी पावरफुल चीज़ है ये। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसाइजन बट एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये सिर्फ ये चीज़ का डिस्प्ले नहीं था, ये प्रिसीजन का, कि कैसे यहाँ पर प्रिसाइजन, पिन पॉइंट प्रिसाइजन वर्ड यूज किया गया। देखो पिन पॉइंट प्रिसाइजन का मतलब होता है एकदम सटीक, एकदम बारीकी से। जब आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह के कोई एयर शो होते हैं, चाहे वो हमारे इंडिपेंडेंस डे पर हो या रिपब्लिक डे पर हो, तो आप देखते हो कि अलग अलग प्रिसाइज, अलग अलग फॉर्मेशन में वो उड़ रहे हैं और एकदम जो फॉर्मेशन होता है वो एकदम टू द पॉइंट होता है, स्टंट करते हैं तो वो बहुत ही सटीक तरीके से होता है ये। तो इसको देखिए, ये प्रिसाइजन का ही सिर्फ डिस्प्ले नहीं था बट ये डिस्प्ले भी था कि अब हमारे आर्मी भी क्या है, हमारे इस गवर्नमेंट को क्या कर रही है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको भी सपोर्ट कर रही है। मतलब यहाँ पे आर्मी का भी सपोर्ट गवर्नमेंट को मिल गया हुआ है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। इसके बाद क्या होता है, जब आप, मेरे ख्याल से आपको शायद इवेंट याद होगा कि जब भी आर्मी का इस तरह का डिस्प्ले होता है तो उनके चीफ्स होते हैं वो ग्राउंड से, वो जो राष्ट्रपति होते हैं उनको सलामी देते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब अफ्रीकन जनरल्स भी आते हैं, उनके चेस्ट पे क्या होता है, बहुत सारे रिबन्स, मेडल्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आर्मी जनरल्स को भी मिले होते हैं मेडल्स होते हैं, वो मेडल्स का डिस्प्ले करते हैं कि कितने डिफरेंट बैटल्स में इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये था। और ये लोग क्या कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे इनको। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और चूंकि कुछ दिन तो पहले क्या था कि जब ब्रिटिशर्स का कब्जा था तो वो आर्मी भी ब्रिटिश कंडर मारते थे और वही सेम पर्सन क्या थे, वो नेल्सन मंडेला को अरेस्ट, किसी भी मोमेंट पे अरेस्ट कर सकते थे, बट आज वो लोग क्या करें, उनको सैल्यूट करें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी समर्थन है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को। फाइनली ये सेवरॉन of a pattern like V of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और एक V के formation में इस तरीके से jets उड़ते हैं और वो अलग अलग जो उनके कलर का flag, जो उनके flag का different colors है उसको spread करते हैं और उससे क्या होता है, एक South African flag air में form हो जाता है। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites of Singan, Nikosi, Saikel, आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। अब इसके बाद क्या होता है कि इनके दो नेशनल एंथम थे वो प्ले होते हैं एंड नाम क्या थे उनके, आई अफ्रीका और डाई स्टेम। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड,
दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हर्ड्स. अब कुछ दिन तक पहले क्या था, ये लिरिक्स वो लोग, ये मतलब जो उनके सिटीजन्स थे जो थे, वो इस सॉन्ग्स के लिरिक्स उन्हें नहीं पता था, वो इससे वो पसंद नहीं करते थे, बट सून क्या हो गया, वो समझने लग गए उसकी मीनिंग को भी. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बाइटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. अब जब नेल्सन मंडेला जब इस इवेंट को, इस इंटायर डे को जब देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या हुआ, एंग्लो बियर वॉर हुआ था. एंग्लो बियर वॉर में क्या हुआ था, बेसिकली क्या था, ब्रिटिशर्स ने अपने पूरी फोर्सेस को साउथ अफ्रीका के, मतलब आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में नेचुरल गोल्ड माइंस काफ़ी ज़्यादा थे, तो ब्रिटिशर्स उस गोल्ड माइंस को कंट्रोल करना चाहते थे, और जो वहाँ के नेटिव सिटीजन थे, जो बोर थे, उन्होंने क्या किया, उसको अपोज़ किया, और उसमें काफ़ी लोगों को, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनके लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ा था. तो इसको देख के ये सारी मेमोरीज उनके दिमाग में प्ले होने लगती हैं. And before my own birth, the white-skinned people of South Africa upped their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. फिर उन्होंने क्या हुआ कि अफ्रीका में जो वाइट लोग भी रह भी रहे थे, वो लोग भी अपने ही सिटीजन्स के, अपने ही भाई बंधुओं के अगेंस्ट में वो लोग भी मतलब खड़े हो गए थे, और एक ऐसे सिस्टम को सेट कर दिया था जो पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करती थी. Although that did neither That long and noble line ended and now began again with me. अब क्या हुआ कि ये जो गैप था, ये जो वाइट्स और ब्लैक के बीच कन्फ्लिक्ट था, अब ये ख़त्म हो गया, और अब हम मेरे से ही नया शुरुआत हुआ. मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मंडेला ही वो एक कड़ी के रूप में उभरे जिन्होंने इस गैप को ख़त्म किया. I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had brought. So यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये बात दुख हो रहा है कि वो जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, वो उनके सैक्रिफाइस, उनके उस सैक्रिफाइस को मैं उनको उसका मतलब थैंकफुल भी नहीं हो पाया, उनको उसका धन्यवाद भी नहीं बोल पाया, और ना ही वो ये विटनेस कर पाए, वो ये देख सके कि उनके सैक्रिफाइस से आज हम लोग इस विक्ट्री को अचीव किए हैं. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. ऑल ऑफ अस स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन and brutality had another unintended effect and that it produced the. अब देखो यहाँ तक क्या बात हो रहा है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे जनरेशन है, काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक सफ़र किया, और इसी सफरिंग से क्या हुआ कि यहाँ पे पर्सन्स के नाम हैं ओलिवर टैम्बू, वॉल्टर सिसुल, स्टीव लुथली, ठीक है, इसी तरीके से काफ़ी सारे पर्सन्स के नाम हैं जिन्होंने. अब देखो यहाँ पे एक बात आप ये भी समझ सकते हो कि जब जितना ज़्यादा ही मतलब सफरिंग होता है, वैसे ही स्ट्रांग मैन उभर के बाहर आते हैं जो सिस्टम को अपोज करते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे मेड नोन अगेन. इसी तरीके से वैसे लोग भी खड़े हुए हैं जिनके करेज, विजडम, जेनरोसिटी जो कभी अब दोबारा नहीं होगी, क्योंकि अब ऑब्वियसली लोग वैसा फेस नहीं करने वाले सिचुएशंस, तो हमें वैसे लोग भी नहीं देखने को मिलेंगे जो उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट खड़े हों. परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. देखो जैसा, अब जैसा इवेंट होता है उसी हिसाब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है. जैसे अगर स्ट्रांग टाइम्स रहोगे, एक फ्रेज मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, स्ट्रांग टाइम क्रिएट्स स्ट्रांग मैन. इसको आप बोल सकते हो टफ टाइम क्रिएट्स स्ट्रांग मैन. तो जितना ही सिचुएशन टफ होगा, जितना ही ज़्यादा ऑपरेशन होगा, उससे ही लड़ने के लिए उतने ही स्ट्रांग पर्सनालिटी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, जिनके अंदर वो सारी क्वालिटीज होंगी जिससे वो उस बैटल को जीत सके. ठीक है. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. इसका एक्सप्रेशन मैंने ऊपर दिया था कि अफ्रीका के इज नेचुरली गिफ्टेड विथ अ लॉट ऑफ जेम्स एंड मिनरल्स, बट एक चीज़ थी जो यहाँ के लोगों के अंदर में थी, वो क्या थी कि यहाँ के लोग जो बहुत ही प्योर है, इनफैक्ट डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे हैं. ठीक है. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉम्रेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव अप देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. यहाँ के मतलब ये हुआ कि नेल्सन मंडेला चूंकि फ्रीडम के लिए स्टैंड हुए थे, तो उनके इस विचार से इतने लोग सहमत थे, एग्री करते थे कि वो इस एक विचार को, एक आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपनी लाइफ को कुर्बान करने को तैयार थे.
आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग स्विंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. और उस आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब इतने लोग मतलब किसी भी हद तक टॉर्चर को, किसी भी तरह की वेदना को, पेन को सफर करने के लिए तैयार थे, मतलब जो किसी के सोच से भी बाहर है. आई लर्न दैट द करेज वॉज नॉट द एबसेंस ऑफ फियर बट ट्रम्प ओवर इट. अब करेज का मतलब इन्होंने ये समझा कि नहीं, फियर का खत्म नहीं होता है, बट फियर के ऊपर में डर के आगे जीत है. करेज उसी को बोला जाता है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंकर्स द फियर. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रीजन. पीपुल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हर्ट दैन इट्स अपोजिट. देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बोली. जैसे कोई भी इंसान जब जन्म होता है तो जन्म से ही वो एक दूसरे से नफरत पैदा करके नहीं पैदा होता है, उसे सिखाया जाता है नफरत करना. और अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जाता है तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है. और प्रेम करना लोग आसानी से सीखते हैं क्योंकि वो एक नेचुरल फीलिंग होती है. हर कोई एवरीवन वांट्स टू बी लव्ड. ठीक है, कोई नहीं चाहता है कि चाहे कितने से कितना भी पर्सन हो, वो बुरा पर्सन हो, कोई ना कोई पर्सन उसके जीवन में ऐसा जरूर होता है जिससे वो प्रेम करता है. प्रेम हमेशा नेचुरली क्रिएट होती है, नेचुरल अपने अंदर से आती है. हेट को फैलाया जाता है, हेट को क्रिएट किया जाता है. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वेर पुश्ड टू आवर लिमिट्स I would see a glimmer of humanity in one of the guard, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. अब यहाँ पे जब वो जेल में बंद होते थे उन पे जो टॉर्चर भी किया था तो जो लोग जो गार्ड्स थे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट की बात एक आती थी, यार इनके साथ गलत हो रहा है, ये हम चीज़ें गलत कर रहे हैं. उनकी आंखों में ये झलक मंडेला को देखने को मिलती थी जिससे उनको ये बात हिम्मत मिलती थी कि नहीं मुझे आगे बढ़ते रहना है. जैसे ही ऐसे करते करते क्या होगा, उनके अंदर मैं नफरत को ख़त्म कर दूंगा, प्रेम क्रिएट हो जाएगा. मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. तो यहाँ पे मैंस गुडनेस क्यों, ये बताया जा रहा है कि जो लोग उन्हें टॉर्चर भी करते थे कहीं ना कहीं से वो भी तो इंसान थे, उनके अंदर इंसानियत थी. वो भले कितना उसके ऊपर से दिखाएं कि हम बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही टॉर्चर है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत रहती है. और छोटी से छोटे चिंगारी के रूप में ही होती है, उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता है. इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and has an obligation to his people, his community, his country. यहाँ पे मंडेला जी ये बता रहे हैं कि हर मैन के जितने भी मैन हैं, जितने पुरुष हैं, उनके जीवन में दो ऑब्लिगेशन होती है, एक उनके परिवार के प्रति और एक उनके देश के प्रति. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability. और एक सिविल और एक सभ्य समाज में हर इंसान किसी न किसी रूप में इस दो चीज़ को पूरा करने में अपना योगदान देता है, चाहे वो जैसे भी करे. But in a country like South Africa, it was impossible for a man of my birth and color to fulfill those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अब यहाँ बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में इन दो ऑब्लिगेशन को पूरा करना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था, और जो लोग भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करते थे उन्हें क्या होता था, पनिश किया जाता था, उन्हें समाज से अलग कर लिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अपार्ट अ टूलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन. और जो लोग इस चीज़ को अपोज करते थे अफ्रीका में, ये कब, जब वो अंडर ब्रिटिश रूल था, जो लोग अपने किसी ऑब्लिगेशन को पूरा करना चाहते थे, मतलब जैसे तुमने फैमिली के लिए तो कर लिया बट अब देश के लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो क्या किया जाता था, उसे बहुत ही टॉर्चर किया जाता था, उसे अपने परिवार से हटा दिया जाता था, उसे अपने देश समाज से क्या किया था, बाहर कर दिया जाता था, और उसे एक गुमनामी की जीवन जीनी पड़ती थी. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट टू लेक्चर्स, एंड आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा. मैंने PDF की लिंक अटैच कर दी है डिस्क्रिप्शन में. अगर कोई भी स्टूडेंट इस पूरे लेक्चर का अगर PDF डाउनलोड करना चाहता है, उसे वर्ड मीनिंग देखने हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वो लिंक से वो फाइल डाउनलोड कर लेगा. और आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कमेंट होता है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करो, मैं कमेंट सेक्शन में आपकी हेल्प करूँगा. तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक बाय बाय, टेक केयर.